प्रदीप मालवी है मेरा नाम। हाँ, ये तो इधर जी, ये कल ही मिला जब मैं बैठ, कल जब मैं मिला बोले बाबा जी इधर इतनी मोटी सी गांठ थी और सबने डरा दिया था, अब तो तेरा गला कटेगा और तू पहले कटेगा, लुटेगा और बाद में मिटेगा। क्यों? अब बोले गले में कैंसर हो गया। कितनी मोटी गांठ थी बेटा? 4 इंच की गांठ थी स्वामी जी। सच्ची? हाँ। उसका फोटो है? फोटो है, मोबाइल मोबाइल में है। मोबाइल में है। कहाँ है मोबाइल? अर्जुन जी के पास। ए अर्जुन जी लेके आओ मोबाइल। डॉक्टर के पास मैं अकेला गया था बायोप्सी की रिपोर्ट लेके, तो उन्होंने मुझे कि यहाँ से भी काटना पड़ेगा, ये हड्डी भी निकालना पड़ेगा, ऊपर का भी निकालना पड़ेगा, अंदर होता बाहर होता ये ऑपरेशन के बाद पता चलेगा। प्रेत की तरह हो जाता इसका चेहरा मोहरा भी। और फिर क्या नाम है अभी? प्रदीप। मेरा नाम प्रदीप, ऐसे बोलना पड़ता है। क्यों? कट जाता पूरा मोटा मोटा, थोबड़ा कट जाता। ये तो जल्दी आ गया। चेहरा तिरछा हो गया था भाई सच्ची। ये जो है ये यहाँ से फूला हुआ दिख रहा है और चेहरा इसका टेढ़ा हो रखा था। फिर 5 तारीख की डेट दी थी ऑपरेशन की, मैं 3 तारीख को यहाँ आ गया। वो वाली डेट 5 की थी, बोले भाई पहले चले जाते गुरु के पास। फिर अब फिर, तब से यही रुका हुआ? तब से यही हूँ। कितने दिन? मुझे 20 दिन हुए हैं। 20 दिन हो गए यही रुका हुआ, डर लग रहा था इसको, वहाँ जाऊँगा कटेगा। 20 दिन से यही जमा हुआ। 20 दिन से यही हूँ स्वामी जी। और मैं बिना रुके 1 घंटे कपाल भाती कर, नॉन स्टॉप अखंड योगाभ्यास, जोरदार ताली। आधा घंटे भस्त्रिका कर लेता हूँ। आधा घंटा भस्त्रिका? हाँ, बिना रुके। आज यहीं से। और अनुलोम विलोम तो स्वामी जी मैं चलते फिरते बाथरूम में ऊपर नीचे जहां भी हर जगह अनुलोम विलोम मेरा चलते ही रहता है। ले लो अखंड योगाभ्यास, ये है राज की बात। पूरी बात मानो, अरे जब मौत सामने खड़ी है बावरे, अब तो कर ले। तो इसने देखा कि भाई उधर कटेगा पिटेगा मिटेगा, फिर बाद में सभी कैंसर के जितने पेशेंट हैं वर्ल्ड वाइड 36 डेज की उनकी एवरेज एज है। अब क्या हाल है? अभी 1 इंच की रह गई है स्वामी जी। और इसी गति तो ढूंढने से भी नहीं मिल रही। अगर इसी गति से होगा तो मैं 1 से 1.5 महीने में इस बीमारी को हरा दूंगा। मैंने बोला था 2 महीने में तुम कैंसर को हरा सकते हो। इसने भी ठान लिया कि जब बाबा कहते हैं तो संत के वचन सच्चे होते हैं। क्या बात? प्रदीप मालवी। प्रदीप मालवी, प्रदीप मालवीय ने, प्रदीप ने अपना दीप जला लिया है और अब माला माल रहेगा, नहीं तो बेहाल हो जाता मालवीय जी। हुआ कैसे बेटा? स्वामी जी मैंने एक दांत निकलवाया था डॉक्टर से, तो उसकी हीलिंग नहीं हो पाई। वो तो जब मैं बिगड़ गया घाव, बिगड़ते बिगड़ते सड़ गया, सड़ सड़ के कैंसर हो गया। इनडिसिप्लिन वर्किंग ऑफ सेल्स, लिसन केयरफुली, इनडिसिप्लिन वर्किंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन बिहेवियर ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर, और कुछ भी नहीं है। डरा के रखा हुआ है तुमको। ज्योत्सना प्रमाण है, प्रदीप प्रमाण है, ऐसी सैकड़ों प्रमाण मैंने दिए। मेरे पास सबके पूरा डेटा है। ये हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी ने पूरा इकट्ठा किया, जोरदार अभिनंदन है। तुम्हारे सामने बैठा है बच्चा। दूसरा स्वामी जी यहाँ के जो 2 महीने, 2 महीने के पूरे होने के बाद यहाँ आना बेटा दोबारा प्रदीप। स्वामी जी मैं 2 महीने यहीं रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे जाना ही नहीं है। घर पे महिलाएं जो होती है उनका प्रेम आधा बीमारियों को बढ़ा देता है। अच्छा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा ले। यहाँ पर 3-3 दिन को उपवास दिए जाते हैं स्वामी जी, मुझे 3 दिन का उपवास, 1 दिन का खाना, 3 दिन का उपवास। तो जो डॉक्टर बोल रहे, अब बेटा ऐसा करना जी, अब 6 दिन का उपवास करना जी, 1 दिन, फिर 6 दिन के उपवास में जूस मिलेगा आपको। जूस तो अभी भी वो एंटी कैंसर जूस चलता है। एंटी कैंसर जूस भी मिलेगा, अनार का भी जूस ले लेना जी, अनार का जूस, एप्पल का जूस ये मिल लेना, है ना, ये पी लेना जी, लौकी का जूस जी, क्योंकि दवाई भी लेना जी, सिस्टोग्रिड ना, तो उससे गर्मी होती है नहीं जी, तो लौकी का जूस और एप्पल का जूस लिखवा लेना, बोले स्वामी जी ने बोला, ठीक है। और 7 दिन का उपवास करो, 7 दिन ये जूस, मैंने एंटी कैंसर जूस और ये जूस, और फिर 7 दिन बाद 1 दिन को शाक सब्जी आदि थोड़ी और खा ली, फिर 10 दिन का उपवास करो, तो ऐसा टनाटन हो जाएगा, कैंसर तो खत्म हो ही जाएगा, जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होगी तेरे को।
दूसरी भी कोई बीमारी नहीं होगी जी सर। अब इतना मैं आपको जब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिलाता, आई हैव एविडेंस, आई हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, आई हैव साइंटिफिक एविडेंस, और पूरा का पूरा सब आपको बताते भी हैं रोज, और फिर भी कोई विश्वास ना करे तो भाई फिर तो भगवान ही मालिक है। लो बेटा प्रदीप, अपना दीप जला के रखना जी। ये कल मेरे से मिला तो मैंने कहा बेटा तुम तो बड़ी प्रेरणा हो हमारी। चलो अभिनंदन है।